सरोकार। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर रीता राजपूत को महापौर बनाने की मांग, बैठक का हुआ आयोजन। सुल्तानपुर में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित, छात्र छात्राओं को फोन मिलते ही खेल उठे चेहरे। प्रयागराज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हंगामा, पूर्व छात्र नेता के साथ सुरक्षा गार्डों ने की थी मारपीट। हरदोई में पुलिस निकाय चुनाव को लेकर सतर्क, अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। गोरखपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर हमला, युवक की बदमाशों ने की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिवपाल यादव पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों को बुलडोजर से डराया जा रहा है। सुरक्षा वापस लिए जाने पर शिवपाल ने कहा कि मेरी सुरक्षा जनता करेगी। शिवपाल यादव ने इस बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कड़ा पलटवार किया है। समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, शिवपाल यादव ने आज प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है और बुलडोजर की कार्रवाई सरासर गलत है और लोगों को जो है तंग किया जा रहा है इस कार्रवाई से। देखिए, भ्रष्टाचार के किस प्रकार के उदाहरण रिवर फ्रंट से लेकर के और तमाम सिंचाई के घोटाले किस तरह से हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और इसीलिए अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2017 में भी मैंडेट दिया और 2022 में भी तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अपराध पर आज जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है और इसीलिए उन भ्रष्टाचारियों की दल में आज खलबली मची हुई है जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उनके कई विधायक रहे, कई मंत्री रहे, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक एक करके तमाम लोगों का नंबर आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव पर भी गंभीर आरोप हैं, उनकी भी जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। सूबे के उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जो है अपने विदेशी दौरे पे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होना है फरवरी के लिए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जनता के पैसे से विदेश की यात्रा की जा रही है। और कांग्रेस का खास तौर पे कहना है, जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे है, कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने को कांग्रेस ने लड़के बाहर किया था, यूपी सरकार के मंत्री उसी को ही निवेश के लिए ला रहे हैं और जनता को लूटने का काम करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद उनकी समझदारी पर बहुत तरस आता है, जिन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें ग्लोबल मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। आज भारत की परिस्थितियां पूरी दुनिया भर के सामने किस प्रकार की हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां किस प्रकार से परिवर्तित हुई हैं, वरना उत्तर प्रदेश जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कानून व्यवस्था बुरी हालत में थी, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से कैसे परिवर्तन आया है कि आज दुनिया भर के तमाम बड़े बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे मुफीद जगह मान रही है। और यही वजह है कि आज विपक्षियों के अंदर यह बौखलाहट है कि आज उत्तर प्रदेश कैसे संवर रहा है, उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है। आने वाले निकाय चुनाव से लेके आगामी लोकसभा चुनाव तक जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम यूपी में 50 से ज़्यादा सीटें जो है हासिल करेंगे और गैर बीजेपी सरकार बने, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा बादशाहत रही है। 16 में से 14 नगर निगम हमने पहले भी जीते थे, इस बार एक नगर निगम बढ़ा है, 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव में भी देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट होगा और पीएम बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुनेंगे, ताकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर फिर से आ सके और देश जिस तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसी तेज गति से दौड़े। उत्तर प्रदेश इस बार फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का काम करेगा और 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगा।
राहुल गांधी ने 100 दिन पूरे होने पर एक ट्वीट किया था कि उनकी लड़ाई जो है नफरत के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की राजनीति करती है। वो अपने कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको एक तपस्या की बात कर रहे हैं, उनकी तो कोई तपस्या को भंग नहीं कर सकता, ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले तो अपने मन के भीतर की नफरत मिटाएं। राहुल गांधी के मन के भीतर किस प्रकार की नफरत है संघ के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी पार्टी के नेता लगातार किस प्रकार की अपमानजनक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपमानजनक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी तो भारत के प्रति नहीं बल्कि चाइना के प्रति निष्ठा रखते हैं। वो चाइना के प्रति अच्छी बातें कह रहे हैं कि चाइना के सैनिक ने भारत की सेना को पीटा। इस प्रकार की देशद्रोहिता की बात करने वाले लोग कैसे नफरत मिटाने की बात कर सकते हैं? जिनके रग रग में नफरत भरी हुई है वो इस नफरत को, इस हताशा को, इस निराशा को दूर करें। और जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी जी को लेकर के सेक्सिस्ट रिमार्क करने का काम किया है, उन पर कार्रवाई करें, तब समझ में आएगा कि शायद वो नफरत मिटाना चाहते हैं। हार की हताशा दिल से निकल नहीं रही और भारत जोड़ो यात्रा करने की बात कर रहे हैं। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के भारत तोड़ो यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। कल ओम प्रकाश राजभर जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर एक बैठक में शामिल हुए थे। उनको अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जा रहा है, तो इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। क्या किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी दलगत राजनीति से ऊपर थे, एक अजात शत्रु जिनका हर दलों में समर्थक थे, एक बहुत शानदार वक्ता, एक शानदार कवि, इस देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के को लेकर के अगर कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सभी दलों के लोग शामिल होते हैं, इसको दलगत राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का अपना एक राजनीतिक दल है और स्वतंत्र रूप से राजनीति कर रहे हैं। अभी न भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके दल का कोई गठबंधन है, अगर आगे आने वाले समय में किसी प्रकार का प्रस्ताव होगा तो नेतृत्व इस पर बातचीत करेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि आने वाले निकाय चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो ओम प्रकाश राजभर कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पे जो बैठक में शामिल हुए, उन्होंने इस बात पर भी हमसे बातचीत भी और कहा कि अटल जी जो है अजात शत्रु से दलगत राजनीति से काफ़ी ऊपर थे, तो किसी भी दल के बड़े नेता जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, इसके सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। आने वाले समय में अगर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई बात होगी तो नेतृत्व इस पर बात करेगा, आगे की तैयारी तब देखी जाएगी। मैं विवेक शाही, कैमरामैन सुधीर के साथ, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर गाजीपुर से, जहां उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी की 3 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है। उसरी चट्टी कांड मामले में MP और MLA कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को 3 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। मुख्तार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन ईडी की कस्टडी रिमांड में होने के कारण मुख्तार की पेशी नहीं हो पाई। 15 जुलाई सन 2001 में मुख्तार के काफिले पर उसरी चट्टी पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी चट्टी कांड में 3 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में बाहुबली विजय सिंह, त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में हैं और उनकी इस मुकदमे में आज गवाही होनी थी, तो इसलिए ईडी में कस्टडी में होने के कारण आज नहीं आ सके और अगली तारीख माननीय न्यायालय द्वारा 3 जनवरी 2023 नियत की गई है और उस दिन उनको तलब किया गया है व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य के लिए। सुल्तानपुर नगर के सीताकुंड के पास गणपत सहाय विद्यालय शासन की महत्वाकांक्षी योजना डीजी शक्ति के प्रोत्साहन हेतु समारोह में स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक ओम प्रकाश पांडे बजरंगी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्राचार्य की उपस्थिति में किया गया। इस योजना के तहत शासन द्वारा विद्यालय में कुल 2328 छात्र छात्राओं को वितरण हेतु मोबाइल प्राप्त हुए हैं। वहीं BCOM तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण कुल 155 छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण किया गया। BCOM फाइनल ईयर की छात्रा ने योगी मोदी को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें मिल रहा है, हम लोगों को लॉकडाउन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत असर पड़ गया था, जिसके वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे थे, कॉलेज नहीं आ पा रहे थे, और कुछ बच्चे थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और क्लासेस भी चलती थी फिर भी हम नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो UP सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाकर आज हम सबको पढ़ाई में इतना प्रोत्साहित किया है और इस वजह से आज हम लोगों को, आज हमारे विद्यालय में सब बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, सबको स्मार्टफोन दिया गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस जब चलती थी तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, तो मैं इस बारे में मोदी योगी जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने
कॉलेज के टीचर्स को भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सुविधा देने की बहुत कोशिश की, बट मेरे पास फ़ोन ना होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाती थी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो भी स्नातक परास्नातक पास छात्र छात्राएं हैं वो इस समय चूँकि डिजिटल क्रांति है, आप लोग समझ ही रहे हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऑनलाइन की सुविधा है, तो छात्र छात्राएं चाहे जिस भी स्तर के हों उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आने पावे कि कोई कहा कि भाई के अभाव के कारण किसी के प्रभाव के कारण कि ऐसा स्मार्टफोन हमारे पास नहीं था इसलिए नहीं कर पाए, तो वो कोई कमी ना रह जाए। इसलिए सरकार की मंशा थी कि जितने भी स्नातक और परास्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ हैं उनको स्मार्टफोन प्रदान किए जाएँ। डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्मार्टफोन लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आज गढ़पत साई पीजी कॉलेज में मुख्य अतिथि हमारे माननीय परमादरणीय श्री ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी रहे। आज बीकॉम के फाइनल ईयर के सभी 155 बच्चों के लिए यह प्रोग्राम किया गया है और कल के दिन में बीएससी एजी और सभी बीएससी के बच्चों को हम 21 तारीख में सारा स्मार्टफोन वितरण करेंगे और 22 तारीख के लिए सभी बीए के 1400 कुछ जितने भी बच्चे हैं शेष उन सभी का 22 तारीख में सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। देवरिया में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जैसे तैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी अपना जोर लगाने में जुट गए। वहीं देवरिया जनपद के वार्ड नंबर 7 राघव नगर में प्रत्याशी पद पर चुनाव लड़ रहे ओम तिवारी ने शिक्षा और विकास को महत्व बताया है। ओम तिवारी ने बताया कि जो भी हमारे वार्ड में अधूरे कार्य हैं उसे मैं पूरा करने का कार्य करूंगा, जैसे कि सरकार ने जो भी मूल रूप से सुविधाएं आती हैं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता का प्यार आशीर्वाद ज़रूर भरपूर मिलेगा। मेरी पीढ़ी यहाँ रह चुकी है और यहाँ की समस्याओं से सब कोई लगभग परिचित है कि मेरे वार्ड में काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वर्तमान सभासद लगातार 15 सालों से हैं लेकिन काम के मामले में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे वार्ड में अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जो उस लेवल तक चुनाव लड़ सके, जो जनता के बीच में रह सके। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से बैठक करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हर समुदाय का वोट हासिल करना चाहता है। प्रत्याशियों का मानना है कि एक धर्म जाति से जीत हासिल नहीं हो सकती, यदि जीत हासिल करनी है तो सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। इस क्रम में अलीगढ़ के अल्पसंख्यक समुदाय ने नगर निगम प्रत्याशी रीता राजपूत के समर्थन में बैठक का आयोजन किया, जिसमें रीता राजपूत को नगर निगम महापौर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से अपील भी की गई है। हम रीता राजपूत को समर्थन करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको अलीगढ़ शहर से मेयर प्रत्याशी बनाए ताकि शहर का विकास हो सके, शहर को जो सही में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हो वो सही में स्मार्ट बन सके। आजमगढ़ में वर्ष 2017 के अगस्त सितंबर में शासन द्वारा मदरसा पोर्टल लागू किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के सभी मदरसों को अपनी सूचना अपलोड करनी थी। मदरसों के अपलोड की सूचना पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद 700 मदरसा को लॉक और अनलॉक करना था, जिसमें 387 मदरसों को लॉक किया गया है जबकि 313 मानक में नहीं थे उनको अनलॉक किया गया। तो वहीं दूसरे चरण में सत्यापन के दौरान 12 मदरसों ने मानक को पूरा किया। शिकायत पर शेष 301 की एसआईटी द्वारा जांच में 219 मदरसों के मानक विहीन पाए गए, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर एक बड़ा दाग लगा है। इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, जैसा कि मीडिया के ही माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई है आप ही लोगों के द्वारा कि कोई कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण जो जानकारी में आया है वो वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल जो है शासन की तरफ से पूरे प्रदेश में लागू किया गया, जिसमें पोर्टल पर मदरसा प्रबंधन द्वारा अपने मदरसे से संबंधित समस्त सूचनाओं को अपलोड करना था। उसके बाद जो है उनके सबमिट करने के बाद वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉगिन पे आता, जिसका सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के स्तर से होकर के और उन मदरसों को पोर्टल पर लॉक करना था।
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक को सुरक्षा गार्डों द्वारा मार पीटा गया है, जिसके विरोध में विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। छात्रों के कई संगठन और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर जमकर हंगामा किया गया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि छात्र संघ की बहाली हो, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये का छात्र संघ पुरजोर विरोध करता लगातार नजर आ रहा था। बवाल की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज जो दीवार पर्दे की तरह हिल रहे हैं, मेरी कोशिश है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वविद्यालय में 2018-19 के बाद छात्र संघ चुनाव में बैन लगा और उसके बाद निरंतर रूप से छात्र संघ भवन पे और विश्वविद्यालय में आए दिन रोज ना हो रोज एक घटना हो रहा है, किसी से कोई छात्र प्रताड़न का शिकार हो रहा है, कोई छात्र साथ रिस्टिकेट कर दिया जा रहा है, तो उसका सारा मसला ये है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया जा रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाए तो सारा मसला नियंत्रित हो जाए। फीस वृद्धि का आंदोलन चल रहा है 100 दिनों से, लेकिन एक भी दिन इस तरीके की हिंसा नहीं हुई, क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल की घटना में छात्रों को जिस तरीके से दमन करने का और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, इसको हम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ पर एक जनरल हाउस बुलाया है और इस जनरल हाउस में ये तय हुआ है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिस फर्म के गार्डों के द्वारा इस तरीके का हमला किया गया, उस फर्म का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। और छात्रों के ऊपर अभी एक सूचना आई है कि एक FIR दर्ज कर ली गई है, छात्रों के ऊपर दर्ज FIR को वापस लिया जाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार की जाए। जिला प्रशासन ने 48 घंटे का समय हम लोगों से मांगा है कि जो आरोपी हैं, जो हमलावर गार्ड थे जिन्होंने जानलेवा हमला किया और गोलियां चलाई लिटरली छात्रों के ऊपर, उनको गिरफ्तार करने का 48 घंटे का समय मांगा है। हम लोग की ये भी मांग थी कि उनको सस्पेंड किया जाए और जो एजेंसी यहाँ पर काम कर रही है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और ब्लैक लिस्टेड करके उसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे असंवेदनशील लोग शांति वाले इस परिसर में जहाँ पठन पाठन का माहौल होता है वहाँ नहीं होने चाहिए। आज ये रणनीति हुई है कि इलाहाबाद जिला प्रशासन के एक जिम्मेदार अधिकारी आकर के ये उनसे 48 घंटे का अल्टीमेटम मांगा गया है। कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी उसमें संलिप्त हैं, जिसके ऊपर भी मुकदमे हुए हैं 3 लोग, उनको तत्काल जेल भेजा जाए और जो एजेंसी है सुरक्षा कर्मियों की उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। और हम जो तहरीर दिए हैं यही करणगंज थाने में, हम आपको बता दें कि करणगंज थाने में तहरीर दिए हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड के नाम से, प्रोक्टर के नाम से और सुरक्षा अधिकारी के नाम से। अगर 48 घंटे के अंदर हमारा भी मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो हम इसी कमिश्नरी के सामने आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। प्रयागराज में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर देश बचाओ देश बनाओ संकल्प को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा निकाली है। इसी क्रम में गाजीपुर से निकली यात्रा प्रयागराज पहुंच चुकी है, जहां करेली के वार्ड नंबर 99 के भावी प्रत्याशी तारिक अनवर अंसारी और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वही यात्रा के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो दिखी। वहां पर लोगों ने अखिलेश यादव और अभिषेक यादव के साथ तारिक अनवर अंसारी के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। यात्रा में शामिल सपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक यादव ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम वर्तमान सरकार की भ्रष्ट नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बेरोजगार परेशान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर चल रही देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा जो आज इलाहाबाद में कई दिन से चल रही है, आज शहर दक्षिणी में हम लोग पहुंचे हैं, शहर पश्चिमी की विधानसभा को हम लोग पूरा करेंगे। लोगों के बीच जाकर के हम लोग ये बता रहे हैं कि इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से इस देश और प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। नौजवान परेशान है, ऊपर से उनके ऊपर अग्निवीर जैसी योजना थोप दी जा रही है, ऊपर से आउटसोर्सिंग कराया जा रहा है, ठेके में भर्ती कराने की तैयारी है, निजीकरण कराया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से आने वाले समय में आरक्षण से लेकर के नौकरियों पर उसका असर पड़ेगा। यात्रा जो बड़े भाई और हमारे जो है जॉन्टी भाई पद यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने भी संघर्ष के साथ जो है इस यात्रा में शामिल है और हमारे जो है वार्ड नंबर 99 से जब ये गुजर रहे थे तो हमने इनका स्वागत किया। सर्दी का मौसम आ गया है और ठंड से बचाने के लिए लोगों के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है। वहीं हरदोई में शासन के निर्देश पर डीएम
एमपी सिंह ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। रैन बसेरा का निरीक्षण कर डीएम ने सभी व्यवस्थाओं पूरी करने के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ ही कमियां पाए जाने पर ईओ को फटकार लगाई। आपको बता दें कि डीएम ने 650 स्थानों पर अलगाव चलाए जाने का दावा किया है, फिर भी नगर के लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। वर्तमान में पड़ रही ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत रैन बसेरे और कंबल वितरण का कार्यक्रम जनपद में हम युद्ध स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहां शहर में जो रैन बसेरा बना है नगर पालिका परिषद की ओर से बनाया गया है, उसको देखने के लिए निकले रहे हैं। अभी एक रोडवेज पे बनाया गया है वो देखा हमने, फिर इनका जो बारात गृह है उसमें बनाया गया है उसको देखा। क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और देर शाम को रात में भी उतरते हैं, इसलिए वहाँ कोई कठिनाई नहीं हो। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने देखा है, अभी इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके आज रात तक इसको हम यहाँ स्थापित कराते हैं, जिससे कल से किसी को यहाँ परेशानी न हो। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है हरदोई से, जहाँ बगौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो आरोपियों पर 10,000 का एमपी ने इनाम घोषित किया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गैंगस्टर लगने के बाद से फरार चल रहे थे। आज बघौली पुलिस को दो इनामिया जो शातिर अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये इनामिया अपराधी गैंगस्टर के फरार अपराधी थे, जो कोतवाली शहर क्षेत्र में और ये बघौली क्षेत्र में नशीले पदार्थ का व्यापार करते थे और उसी व्यापार में लगातार लिप्त थे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनकी संपत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है, जल्द ही इनकी संपत्तियों का चिन्हांकन कर कुर्की करके कार्रवाई भी की जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन निकहत परवीन पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। नगर पंचायत अध्यक्ष निकहत परवीन पर मदरसा में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने मदरसा में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने के लिए फर्जी शैक्षिक अभिलेखों का सहारा लिया। फिलहाल शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के बाद मदरसा बोर्ड को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश मांगा है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने उनका वेतन बाधित करने का भी निर्देश दिया। शिकायत प्राप्त होने पर श्रीमती निकहत परवीन के बारे में जांच वांच कराकर और इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। ये जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजी गई है, मदरसा शिक्षा परिषद को, और उनके द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है कि इसमें हमें क्या कार्रवाई आगे की जानी है। तब तक के लिए उनके द्वारा वेतन रोकने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। जो भी निर्देश मदरसा शिक्षा परिषद से प्राप्त होंगे उस संबंध में तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जिले के बेलीपारा इलाके में जुड़ापुर गांव में युवक की चाकू घोंपकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। बीच बचाव करने आए, बताया जा रहा है कि दो युवकों भी चोटिल हो गए हैं। आरोप है कि पुरानी रंजिश में गांव के ही युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चिकन की दुकान चलाते थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वो बहुत पहले की छोटी छोटी मामला था, तो हम लोग कल बाजार कर आ रहे थे। वो 5-7 लोग बैठे थे वहाँ पर, जो पकड़े उसके बाद छुड़ा, फिर निकाले और लगे मारने। हम बचाने के चक्कर में भागने लगे डर के, फिर बचाए गए तब तक उस पर दौड़ा लिए हमको। थाना क्षेत्र बेली पार के गांव जुड़ापुर में राहुल यादव नामक व्यक्ति को उसको विरोधियों ने चाकू मार दिया। तत्काल इसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। राहुल के छोटे भाई रोहित की तहरीर पर थाना बेलीपार पर हत्या का अभियोग 7 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया है। बस्ती में परिषदीय विद्यालय में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले दो शिक्षिकाएं का भंडाफोड़ हुआ है। बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि पे रोल मॉड्यूल की मदद से पकड़ में आई है। विद्यालय विभाग ने दोनों शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराने के और वेतन वसूली के निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही वेतन रिकवरी और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश भी दिया। हमारे यहाँ दो शिक्षिकाएं बर्खास्त, एक अनीता सिंह, दूसरी प्रेमलता सिंह। दोनों लोग दूसरे मार्कशीट लेकर नौकरी कर रहे थे। एक 1994 से नौकरी कर रही थी, प्रेमलता 1997 से नौकरी कर रही थी।
ये दोनों लोग अनीता नाम के और प्रेमलता नाम की फर्जी शिक्षिकाओं की मार्कशीट लेकर फर्जी ढंग से नौकरी कर रहे थे। शिकायत तो शिकायत में जाँच की गई, जहाँ प्रकरण सही पाया गया, शिकायत सही पाई गई, इसके तहत कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। आगरा के थाना ताजगंज में पुलिस ने डीसीपी सिटी विकास कुमार के नेतृत्व में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। उनके साथ ही तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चार मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करने का तरीका बताया। जो लोग जल्दीबाजी में गाड़ी खड़ी कर चले जाते हैं, चोरों ने कहा मौका पाकर गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाते थे। राजिन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चार चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दो मोटरसाइकिल ताजगंज थाना क्षेत्र से ही चोरी हुए थे, जो मुकदमे से पूरी तरह कनेक्ट हो गए हैं, और इसके अलावा दो मोटरसाइकिल जो कनेक्ट नहीं हुए हैं उसे भी पता लगाया जा रहा है और जल्द से जल्द पता लगा कर उसे भी कनेक्ट किया जाएगा। चार मोटरसाइकिल जो बरामद किए गए हैं उसमें एक सिटी डीलक्स, एक प्लैटिना, एक होंडा साइन और एक स्प्लेंडर है। देश के लिए खेलने का जज्बा दिलों में समाये, ग्राउंड में जी तोड़ मेहनत करने वाले खिलाड़ियों पर सिस्टम की उदासीनता उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ करती दिख रही है। ताज़ा मामला बांदा से सामने आया है, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम के छात्राओं को स्टेडियम की लापरवाही के चलते टाइल से ही वंचित होना पड़ रहा है। इस छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है और अपनी परेशानी लेकर इन छात्राओं ने जिला अधिकारी की चौखट पर दस्तक दी। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को जनपद की ओर से मंडली कबड्डी का ट्रायल होना था, लेकिन नहीं कराया गया। इस छात्राओं को ट्रायल के बारे में स्टेडियम के क्रीडा अधिकारी विजय कुमार ने जानकारी ही नहीं दी और ना ही ट्रायल कराया गया, जिससे इन छात्राओं का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो गया है। हम गांव से हैं, लेकिन यहाँ किराया से रूम लेकर रहते हैं कबड्डी, मतलब प्रैक्टिस के लिए। कौन सा खेल? कबड्डी के लिए। हमें यहाँ पे मतलब अभी अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी, बताइए हम क्या करें। हमारे घर वाले हैं, वो कह रहे हैं हम 10 साल से खेल रहे हैं कबड्डी, हमें घर वाले हमारे रिजल्ट मांग रहे हैं। हम दोनों टाइम जाके मेहनत करते हैं, बताइए। हम स्टेट की प्रतियोगिता में पता नहीं चलता, जिसमें कई लड़कियों का लास्ट ईयर था और कई लड़कियों की शादी हो गई, फिर भी वो प्रैक्टिस करने आती हैं, उनके मतलब ससुराल से आती हैं यहाँ किराए के रूम लेकर। हमारे घर वाले, हम घर वाले इतने मजबूत नहीं, हमारे घर वाले कि हमें और टाइम दे सके। मैम के पास गए थे कि मैम शिकायत लेके इन्हीं की, और हम कम से कम 80 बच्चे हैं जो इससे पीड़ित थे सर, क्योंकि अभी सर हमारे उसमें छोटे के बच्चे अभी से प्रैक्टिस करें ताकि हम बड़े होकर के अच्छा अच्छा खेले, सब कुछ। जब हम अभी हमें हमारे कि हमारे ही ऊपर सर ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों कैसा कर रहे हैं सर? कोई ट्रायल होता है तो नहीं बताते हैं, या तो कुछ नहीं, कभी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती। जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता राज्य स्तरीय झांसी में आयोजित होनी थी, जो 19 से 21 दिसंबर को, जिसके ट्रायल की सूचना क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा दी गई 16 तारीख को व्हाट्सएप के जरिए, और इसी मोरी में मेले में पूरे जिला खेल कार्यालय बांदा की ड्यूटी लगी हुई थी, वहां पे वॉलीबॉल और कबड्डी की प्रतियोगिता बालक वर्ग की आयोजित कराई जा रही थी, जिस कारण से वहाँ पर हम लोगों को 17 तारीख को प्रतियोगिता का ट्रायल का पता चला, और 17 तारीख को ही जिला स्तरीय ट्रायल थे और 18 को मंडलीय ट्रायल थे हमीरपुर में, और हमारे लोगों के पास समय अभाव होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी कर पाए। जनपद मथुरा में वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम के साथ पहुंची। जाल बिछाकर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 563 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी, जिसकी कीमत बरामद की गई है, लकड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पुष्पा मूवी को देखकर ऐसा किया गया। इस गैंग को गिरफ्तार करने के उपरांत जो इनसे पूछताछ हुई है, इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये कहां से आ रही थी और अल्टीमेटली कहां कहां ये भेजी जाती, डिस्पोज की जाती, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्लूज हमारे पास हैं। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, तो उस पर
हमारी टीमें जो हैं स्टीएफ की टीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वन विभाग की इस पे काम कर रही है तथा इन गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। कन्नौज में बहू से परेशान सास ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सास का आरोप कुछ दिन पहले बहन के साथ ससुराल आई बहू ने पिटाई कर दी है, जिसका पीड़िता ने वीडियो सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय गली की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। आपको बता दें कि शातिर बहू ने ससुराली जनों पर पहले ही मुकदमा दर्ज कर रखा है। ये बहू हमारे 13 महीने से अपने मायके में रह रही थी और हमारे यहाँ आई अपनी बहन को लेके, तो पूनम अवस्थी रुचि अवस्थी दोनों ने हमको घर में घुस के खूब मारा पीटा। हमने जब कहा कि तुम्हारा तलाक का मुकदमा चल रहा है तो बेटा जब वहाँ से हो गए कोर्ट से तब अपना आना, अभी नहीं आओ, तो हमको इतने हाथापाई कर दी दोनों बहनें चिपट के मारने लगी, मेरी चैन छीन ली और हमको बोलता है कि फिर घसीट के दरवाजे के बाहर ले गए, फिर दरवाजे के बाहर ले जाके घसीट कर खूब मारा हमें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।